हेलो दोस्तों दोस्तों मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं और आज मैं ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फर्स सोसाइटी के अंदर बी टाइप विला की शूटिंग करने वाला हूं। दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये जो विला है बी टाइप का विला है, 108 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया में 2.5 फ्लोर विला बना है। 4 बेडरूम, सर्वेंट रूम और हर बेडरूम के साथ वॉशरूम है और ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम है और लिविंग रूम है। बेडरूम के साथ वॉशरूम है और लिविंग रूम डाइनिंग रूम एक साथ है और उसके साथ में एक पाउडर रूम है। एक बाहर आप देखेंगे छोटा सा लॉन है, ये पार्किंग एरिया है। इसके बैक साइड में गार्डन नहीं है। एक दूसरा साइज आता है, सी टाइप का विला होता है वो, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट किया था, मेरे चैनल में है। उसमें बैक साइड में गार्डन होता है, बाकी के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है, 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम। इसमें दो टाइप के ऑप्शन आते हैं, 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम और 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम। 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम का जो ऑप्शन है उसमें एक बेडरूम आप बना सकते हो, एक्सपेंडेबल है, यानी वो भी 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम का साइज है। विला का आप एलिवेशन देखें, शानदार है रहने के लिए। 4 बेडरूम सर्वेंट रूम का अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी महंगा हो चुका है, लेकिन अभी पैरामाउंट के जो विलास हैं रिजनेबल रेट पे हैं, लेकिन ये अपनी एक्चुअल प्राइस को मैच कराएंगे, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनके प्राइजेस हमेशा अप होते जा रहे हैं, इसलिए इनका जो प्राइस है स्टेबल नहीं है। यही एक कारण है कि प्राइस स्टेबल नहीं है। लोग बोलते हैं कि हर महीने हर टाइम इसके प्राइस क्यों बढ़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है हर एक महीने में प्राइस बढ़ जाए, लेकिन इसका कारण ही यही है कि इसके प्राइस कम है और अंडर वैल्यूड है ये प्रॉपर्टी, तो इसके प्राइस बढ़ना नेचुरल है और बढ़ेंगे ही। और अपने इनका जो एक्चुअल प्राइस है उससे अभी ये कम से कम हाफ पोजीशन में है। अभी इनमें इतनी पोटेंशियल है कि ये जितनी प्राइस है उसका डबल होंगे। और मार्केट में विलास की अवेलेबिलिटी कम है, इस कारण से इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। रेडी टू मूव इन विलास हैं, पूरी 100 एकड़ की सोसाइटी है, सारी अमेनिटीज़ हैं इस सोसाइटी के अंदर, मार्केट है, क्लब हाउस है, पार्क्स हैं और गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी है इसके अंदर, तो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये जो सेक्टर है UPSID का सेक्टर है, साइट सी, जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो सेक्टर्स हैं G1 उससे जस्ट अपोजिट में पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 4 BHK का बी टाइप विला 108 स्क्वायर यार्ड में जो कि बना है। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर ही आपकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ी पार्क हो सकती है इस जगह, और साथ में ये एक फुटपाथ है, यहाँ पर भी आप जो है दो गाड़ी कम से कम पार्क कर सकते हो और एक तो बहुत लंबी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो। इसका जो ये ग्लास आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लिविंग रूम का एरिया है जहाँ से आप अपनी इस बरामदा में आ सकते हो, और साथ में इसका जो मेन गेट है वो यहाँ पर है। गेट से घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड जो जगह है इसके अंदर, यहाँ पर एक पाउडर रूम है और यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होती हैं। इसके बाद जैसे आप अंदर आते हो तो आपको लिविंग रूम मिलता है। लिविंग रूम करीब 22 फीट की लेंथ होगी और जो 11 फीट की इसकी विड्थ है। किचन आप देखें, यहाँ पर किचन है, किचन काफ़ी अच्छा स्पेस है किचन में, और चूँकि ये एक सो विला है, सैंपल विला है, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड हैं, ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये आपको काम कराना पड़ेगा।
जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक बेडरूम मिलता है, और बेडरूम का जो साइज है करीब 15 फिट ऐसे है लेंथ में है, एंड करीब जो है 11 फिट इसकी विड्थ है। वॉशरूम है इसके अंदर, वॉशरूम का भी साइज काफी अच्छा है। इसके बाद ये जो बैक साइड में यहां पर वॉशिंग एरिया आ जाता है, एक टैब लगा हुआ है यहां पर, और टैब ये वॉशिंग मशीन लगाने के लिए है। यहां पर एक स्विच लगा हुआ है जो वॉशिंग मशीन के लिए है, और यहां पर पूरा आपको ऊपर तक खुला स्पेस मिल जाता है। जैसे ही हम लिविंग रूम में आते हैं, लिविंग रूम से स्टेयर्स हैं, इसमें टफन ग्लास लगा हुआ है जो कि आपको आपके अपने विला में ऐसा नहीं होगा, ये सो विला है इसलिए आपको ये काम कराना पड़ेगा। ऊपर आते ही एक छोटा सा लाउंज मिलता है, और ये स्पेस खुला हुआ है, यहाँ पर आप लिफ्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, इतनी स्पेस यहाँ पर है। एक साइड आपको एक बेडरूम मिलता है, बेडरूम का साइज वैसा ही है करीब 15x11 का, जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर में जैसा बेडरूम था, और इसके साथ वॉशरूम है। वॉशरूम का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ एक वार्डरोब भी आपको यहाँ पर मिलती है, और ये वार्डरोब चाहें तो आप रखें या हटा लें। आप अपने रूम के अंदर भी अच्छे वार्डरोब बना सकते हैं, इतनी स्पेस यहाँ पर है। दूसरे साल हैंड में एक दूसरा बेडरूम है, बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा है इसका भी, और बेडरूम के साथ इसमें भी बालकनी है, और उधर वाले बेडरूम के साथ भी अच्छी बालकनी थी करीब 4.5 फीट वाइड। वॉशरूम है, वॉशरूम शानदार है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है इसके अंदर, और अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो इतना बड़ा वॉशरूम नहीं मिलता अपार्टमेंट में। इसके बाद स्टेयर से हम ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको एक बेडरूम मिल जाता है और एक सर्वेंट रूम मिल जाता है, और ओपन टेरेस मिलती है। जैसे यहाँ आते हैं आप तो एक लाउंज मिलता है, ये यहाँ पर ओपन स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक आपकी लिफ्ट आ सकती है। एक हाथ में आप इधर चलेंगे एक साइड तो एक बेडरूम आपको मिल जाता है, सेम बेडरूम का साइज है जैसा कि आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम थे, ये चौथा बेडरूम है इस विला का। बालकनी का आप साइज देखें कि कितनी शानदार आपको बालकनी मिलती है, पूरी बालकनी काफ़ी अच्छी है, और बाहर का व्यू भी आप यहां से देख सकते हैं। ये सेक्टर की रोड है और इधर UPSIDC का ही सेक्टर है। इसके बाद आप अंदर आते हैं बेडरूम में, बेडरूम के साथ वॉशरूम है, और इस वॉशरूम को भी आप देखें कितना अच्छा वॉशरूम है। इसके हर वॉशरूम के साथ में आपको ये वार्डरोब मिलती है, इस वार्डरोब को आप चाहें तो रखें या चाहें तो हटा करके और बड़ा वॉशरूम बना सकते हैं, और वार्डरोब आप अंदर बनवा सकते हैं बेडरूम के। इस साइड आपको ओपन टेरेस मिलती है, और यहीं पर आपको सर्वेंट रूम मिलता है, सर्वेंट रूम विद वॉशरूम। ये सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम का साइज करीब 7 फिट ऐसे है और 6 फिट ऐसे है, लेंथ एंड विड्थ में है। इसके साथ भी एक इंडियन टॉयलेट के साथ में वॉशरूम मिल जाता है। तो दोस्तों ये टेरेस है, ये ओपन रहेगी, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन हार्ड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो
फाइबर की सीट से आप कुछ बना लें वो अलग है। तो दोस्तों ये पूरा बिला रहा और ये बी टाइप बिला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस सोसाइटी में रजिस्ट्री नहीं है। ये मैं कई बार बताता हूँ कि इस सोसाइटी में 100% में ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री नहीं है। दो टाइप की यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाती है, एक आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसमें रजिस्ट्री अवेलेबल है और किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें रजिस्ट्री नहीं होती लेकिन सब लीज डीड होती है और वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है, और उसमें जो लोन अवेलेबल है वो केवल HDFC बैंक लोन करता है। तो दोस्तों अगर आप विजिट करना चाहते हैं, लेआउट जानना चाहते हैं या आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस सोसाइटी के अंदर ही है, तो मैं आपको विजिट कराऊंगा और इसके लेआउट्स वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ देता रहता हूँ और ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। दोस्तों मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 7838696817। विजिट करने के लिए संपर्क करें। थैंक यू।